कोरोना वैक्सीन नाल जुड़ी एक वड्डी खबर सामने आई है। DCGI ने कोरोना वैक्सीन नू मंजूरी दिती है। भारत बायोटेक अते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नू मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन अते कोवाशील्ड नू मंजूरी दिती गई है। एमरजेंसी इस्तेमाल लई हरी झंडी दिती गई है। तो हुण एक राहत भरी खबर जरूर है भारत वासियां लई है। कोरोना वैक्सीन नाल जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। DCGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वैक्सीन नू मंजूरी दिती है। भारत बायोटेक अते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नू मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन अते कोवाशील्ड नू मंजूरी दिती गई है। एमरजेंसी इस्तेमाल लई हरी झंडी दिती गई है। तो जिस तरह के नाल भारत में लगातार कोरोना कहर बरकरार है, कोरोना का नवा स्ट्रेन भी दस्तक दे चुका है। इस विचकार हर कोई कोरोना वैक्सीन का बेसब्री नाल इंतजार कर रहा है। हुण भारत वासियों का इंतजार खत्म हो चुका है। DCGI ने कोरोना वैक्सीन नू मंजूरी दिती है। भारत बायोटेक अते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नू मंजूरी मिली है। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited.